जब संसार के सृष्टि को ब्रह्मा जी शुरुआत के पुष्कर में राजस्थान में सबसे बढ़िया एक सरोवर है वो सतयुग का सरोवर है सृष्टि की आदि का, तो ब्रह्मा जी उसी स्थान पर जीव बनाना शुरू किए, आदमी को बनाए भर भरा टूट जाए, अच्छा बढ़िया मसाला नहीं लगा पाए तो वो बहुत दुखी हो गए। तब आकाशवाणी हुई, तुम देवी का यज्ञ कराओ तब जीव जंतु बना सकते हो, नहीं तो जीव जंतु बनेंगे नहीं। ते जितने जीव जंतु बने हैं ना, इसमें देवी माता ने अपनी शक्ति डाल दिया है। क्या कह शक्ति डाल दिया है, तो नींद डाल दिया है, भूख डाल दिया है, प्यास डाल दिया है, ये सब देवी माता के रूप हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। देवी 32 रूप से सब जितने नर नारी हैं इनके शरीर पर निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवी यज्ञ सबसे पहले करवाया और देवी यज्ञ कराने के लिए अपने पत्नी को बुलाया तो माताएं थोड़ा सजने धजने में देरी कर देती हैं। मुहूर्त निकल रहा था तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र पुलह को बोला कि बेटा जा, तुम्हारी माता सावित्री को बुला ले रे, देवी यज्ञ करना है, नवरात्रि का मुहूर्त निकल रहा है। तो सावित्री बोली मैं थोड़े से आ रही हूँ सर धज करके, जैसे कहीं जाना रहता है तो पुरुष तो पेंट शर्ट लगाया और तैयार, लेकिन माताओं को तो एक घंटा पहले सचेत करना ही पड़ता है। सावित्री माता नहीं आई, देरी हो गया, तो इधर महाराज लोग बोले थोड़ा जल्दी करो ना, मुहूर्त निकल रहा है, पंडितों को भी हड़बड़ी रहता है। तो ब्रह्मा ने कहा वो तो अब आँच नहीं रही है तो कैसे करूं। तो इंद्र देवता ने कहा कि मैं दूसरा खोद दूं क्या यज्ञ कराने के लिए, दूसरा पत्नी। हाँ बोले बड़ी है। तो उस समय एक ग्वालन जा रही थी और गोबर उठाने, भारी सुंदरी थी, उसी को गौ माता के मुंह में डाल दिए और गोबर तरफ से निकाल दिए, गाय से प्रकट हुई, इसलिए उस देवी का नाम पड़ गया गायत्री। तो ब्रह्मा ने उस देवी को अपना पत्नी बनाया। ब्रह्मा जी के दो पत्नी हो गए, एक सावित्री और दूसरा तुरंत तुरंत वाली गायत्री। सद्धज के सावित्री आई तो सौतन को देख कर के आग बबूला होके पहाड़ में चढ़ गई और पंडितों को शराब दे दी, दो दो शादी करवा दी, हो जा तुम्हारा खानदान गरीब हो जाए। उसी दिन से महाराज लोगों को मेडल मिल गया गरीबी का। वो कितनों पूजा पाठ कराए बेचारे, नहीं तो महाराज लोगों को इतना दक्षिणा मिलते रहता है, कपड़ा दुकान खोल सकते हैं, बर्तन दुकान खोल सकते हैं, लेकिन घर में जाओगे तो एक टूटा खाट नहीं बनता, रास्ते में बेच देते हैं। तीन चीज का संपत्ति नहीं पूरता है, जजमानी का, बेहमानी का, नानी का। उन्हें कहते हैं मामा घर ले भारी पारी का, वो घरों के लल ले गए तो गड़बड़ा जाता है, वैसे यजमानी का भी हाल रहता है। ब्राह्मणों को शराब लगा तो गायत्री माता को बोले देवी तुम्हारे चक्कर में हम लोग शराब लग गया। गायत्री माता बोले चिंता मत करो, मेरे मंत्र को जाप करोगे तो राजा की तरह धनवान हो जाओगे। इसीलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ संस्कार करते हैं और गायत्री मंत्र लेते हैं, रोज इनको गायत्री मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। दूसरा गौ माता को सावित्री माता ने शराब दे दिया, भारी नारी बनाने फैक्ट्री बनी हो, मेरे लिए सौतन बना के निकाल दी, जा तुम्हारा मुंह अपवित्र हो जाए। तो गौ माता जिसको जूठा कर देती है वो अपवित्र हो जाता है। फिर ये बोली गायत्री को अच्छा चक्कर में फंसा दिया आप हमारे चक्कर में, आपके चक्कर में हम अपवित्र हो गए, हमारा मुंह अशुद्ध हो गया। तो गायत्री माता बोली तुम्हारा गोबर और गौमूत्र पवित्र हो जाएगा, उसके बगैर यज्ञ नहीं होएंगे। तो कई लोग गाय और बछड़ा भारी चटवाते रहते हैं, चटवाओगे तो फिर नहाना पड़ेगा, गड़बड़ा जाता है, और गौमूत्र को डाल दोगे तो गंगा मैया की जय हो जाता है। इसीलिए यज्ञ करवाते हैं तो दूध दही घी गोबर और गौमूत्र इस पांच चीज को मिला करके पंचगव्य बना के पिलाया जाता है। और देवी की मूर्ति बनाई जाती है ना, तो सात जगह के मिट्टी लाती थी, लाई जाती थी,
जहां पर सुअर बनता था उस जगह की मिट्टी लाई जाती थी, पहले मूर्ति बनाते थे तो। जहां पर हाथी बनता था वहां की हाथी साथ, घोड़ा बनता था वहां घोड़ा साथ, नदी के दोनों किनारे की मिट्टी, वाल्मीकि जिसको डिलवा कहते हैं वहां की मिट्टी और विश्यालय की मिट्टी, ये सात जगह की मिट्टी से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। आजकल कोई मिट्टी खल को लेने नहीं जाते, दुकान में ले लेते हैं सब मृतिका सात जगह की मिट्टी। अब वो घर एक माटी भर के बेच देता है, कौन जाने वो कहां घोड़ा सार खोदने जाएगा और कहां हाथी सार खोदने जाएगा। और कई लोग मूल शांति करवा लेते हैं, दुख पाते हैं बेटा मूल शांत नहीं हुआ, तो पानी कहां से लाया था, तो जैन दुकान से, तो गड़बड़ हो जाएगा, दुकान से पानी ला गया तो उसे सात जगह 27 जगह का जल लाना है। तो कई लोग तो 27 जगह के जल को ला के एक तालाब में डाल दिए, कई गांव में नियम है उसी जल को ले आते हैं। अरे भैया एक लोटा गंगा जल को लाके तालाब में डाल दोगे तो पूरा गांव भर का तालाब जल गंगा जल हो जाएगा क्या? कितनी मूर्खता है। तो सब आलसी नाम है और काम नहीं होता है बोलते। तो जितना व्यवस्था हो सके करना चाहिए, ज्यादा खरीदी में विकृति आ जाती है, बेचने वाला सामान में मिलावट ज्यादा रहता है और अपने संचय किए हैं उसमें शुद्धता ज्यादा रहता है। तो पहले सतयुग में सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और गायत्री माता बैठकर इस देवी यज्ञ को करावे धरती के पुष्कर स्थान में, जिसे सतयुग का तीर्थ कहा जाता है। वहां पर तीन सरोवर है, ऊपर से कमल का फूल गिरा था, इसी कारण से गायत्री माता कमल फूल पर विराजमान रहती है। कमल फूल का बहुत महत्व है, संसार में आप कुछ मत चढ़ाओ और देवी माता के मंदिर में कमले फूल चढ़ा दो, मैया प्रसन्न हो जाती है। और कमल का फूल कभी बासी नहीं होता, और जब चढ़ाओ तब ताजा ही रहता है, बहुत प्रिय है कमल का फूल। तो इस कमल फूल को जगदम्बा को चढ़ाना चाहिए। आकाश से कमल गिरा तो तीन बार ठक ठक जब पड़ा, इसीलिए तीन सरोवर हो गए, एक ब्रह्मा सरोवर, एक विष्णु सरोवर और एक रुद्र सरोवर। तीन सरोवर है, पुष्कर जाओगे उसका नाम है पुष्कर है। पुष्कर दबाव डाला गया तो धरती में गड्ढा हो गया, वो कमल कितना बड़ा रहा होगा, जहां पर तीन तीन तालाब की खुदाई हो गया। इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी और गायत्री के द्वारा देवी यज्ञ प्रथम हुआ था।